आमतौर पर ये समय उत्सव का होता है। जगह जगह मेले लगते हैं, धार्मिक पूजा पाठ होते हैं। कोरोना के संकट काल में लोगों में उमंग तो है, उत्साह भी है, लेकिन हम सबको मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है। बहुतेक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है। लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है, तो ज़्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथियों, हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आएगी, हमारे पर्व और पर्यावरण इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहा है। जहाँ एक और हमारे पर्वों में पर्यावरण और प्रकृति के साथ सहजीवन का संदेश छिपा होता है, तो दूसरी ओर कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाए जाते हैं। जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है। इस दौरान न कोई गांव में आता है, न ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। और लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से नए पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। बरना की शुरुआत में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नृत्य जम करके उसके कार्यक्रम भी होते हैं। साथियों, इन दिनों ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व चिनगम महीने में आता है। इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पुकलम बनाते हैं, ओणम सादिया का आनंद लेते हैं। तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ओणम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है। अमेरिका हो, यूरोप हो या खाड़ी देश हो, ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा। ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है। साथियों, ओणम हमारी कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होता है। किसानों की शक्ति से ही तो हमारा जीवन, हमारा समाज चलता है। हमारे पर्व किसानों के परिश्रम से ही रंग बिरंगे बनते हैं। हमारे अन्नदाता को, किसानों की जीवनदायिनी शक्ति को वेदों में भी बहुत गौरवपूर्ण रूप से नमन किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र है, अन्नानाम पतये नमः, अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः। अर्थात अन्नदाता को नमन है, किसान को नमन है। हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूँ, उनके परिश्रम को नमन करता हूँ।